हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तेजेंद्र सिंह, एक्टर्स कोच। हमारा आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ नाट्यशास्त्र। हिस्ट्री ऑफ नाट्यशास्त्र सुनते ही कई लोगों के जहन में सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर किसी सब्जेक्ट की हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप जिस भी सब्जेक्ट में या जिस प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी रूट्स का अगर आपको पता होगा तो आपके अंदर एक सिंसेरिटी ज़्यादा आएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ नाट्यशास्त्र पर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, नाट्यशास्त्र के अंदर 36 चैप्टर्स हैं और इसमें 6000 श्लोक हैं। एक समय की बात है कि जो भरत मुनि थे, ये अनध्याय के समय में, अनध्याय मीन्स जब गुरुकुल के अंदर अवकाश होता था, हॉलीडे होता था, तो उनके पुत्र आए। भरत मुनि के 100 पुत्र थे। जब पुत्र आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने ये नाट्य वेद की रचना क्यों की या कैसे की, तो इस पर भरत मुनि ने बताया कि एक बार जो इंद्रदेव थे, इंद्रदेव कुछ देवों के साथ ब्रह्मदेव लॉर्ड ब्रह्मा के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि एक ऐसे वेद की रचना करें जिसमें कि हम ज्ञान के साथ साथ कुछ मनोरंजन भी कर सके, अपनी आँखों से और अपने कान से हम एक जो सेटिस्फैक्शन है वो फील कर सके, तो आप किसी एक ऐसे वेद की आप रचना करें। इस पर ब्रह्मदेव ने ऋग्वेद में से शब्द लिए, आपके यजुर्वेद में से उन्होंने मूमेंट्स और मेकअप को लिया, सामवेद में से म्यूजिक को लिया और अथर्ववेद से रस को लिया और फिर एक पांचवे वेद की रचना की जिसे कहा जाता था नाट्य शास्त्र या नाट्य वेद। उसके बाद ब्रह्मदेव ने लॉर्ड इंद्रा को बोला कि मैंने इस वेद की रचना की है, अब आप एक नाटक का मंचन करें। ये सुनते ही इंद्रदेव ने कहा कि ब्रह्मा जी, हम किसी नाटक का मंचन करने के योग्य नहीं हैं, इसके लिए जो ऋषि हैं वो ज़्यादा कैपेबल हैं, तो आप कृपा करके किसी ऋषि को आप ये आदेश करें। इस पर लॉर्ड ब्रह्मा ने भरत मुनि को चूज किया। भरत मुनि के 100 पुत्र थे। जब ब्रह्मदेव ने भरत मुनि को कहा कि आप एक नाटक की रचना करें, तो भरत मुनि अपने जो उनके जो 100 बच्चे थे, जो 100 पुत्र थे, उनको लेकर एक नाटक की रचना करने लगे, जिसमें उन्होंने सबके अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए। किसी को एक्टिंग का डिपार्टमेंट दिया, किसी को बैक स्टेज का, किसी को प्रोडक्शन का, इस तरीके से जो जो जिस चीज़ के लिए कैपेबल था उस तरीके से उन्होंने सबको बांट दिया। पर इसमें भरत मुनि ने एक कमी महसूस करी कि हमारे इस नाटक में, इस पूरे प्रोडक्शन के अंदर कोई भी फीमेल आर्टिस्ट नहीं है। इस पर उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मदेव, हमारे इस एक्ट में कोई भी स्त्री नहीं है, तो कृपा करके कोई ऐसी व्यवस्था करें कि वो लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। इस पर लॉर्ड ब्रह्मा ने जो स्वर्ग की अप्सराएं थी उनको कहा कि आप भरत मुनि के इसके प्ले में आप पार्टिसिपेट करें और जो भी हेल्प हो सकती है आप लोग करें। इस पर भरत मुनि ने अप्सराओं को अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उसी में एक अप्सरा थी जिसका नाम था स्वाति। स्वाति को बैक स्टेज में साउंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। साउंड, जिस तरीके आप आज का नाटक देखते हैं, उसमें जब भी कोई आप भाव दे रहे होते हैं या एक नाटक चल रहा होता है, कोई भी सीन आता है, तो बैकग्राउंड से उसके अंदर कोई भी साउंड आता है, म्यूजिक आता है, वो उसी तरीके से उस प्ले के अंदर स्वाति नाम की जो अप्सरा थी, उन्होंने पुष्प करा दी वाद्य यंत्र से, जिसके अंदर की जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं सारे ही इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, उसके द्वारा इस एक्ट में अपने बैकग्राउंड साउंड उन्होंने दिया। इस नाटक के अंदर जो गायन का था, जो गाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके लिए गंधर्व जाति के नारद मुनि हैं, उनको चूज किया गया कि वो इसके अंदर गाना गाएंगे, या जो भी जहां गाने का कोई एक सीन आएगा या गाना गाया जाएगा उसमें नारद मुनि गाना गाएंगे। इस तरीके से इस पूरे नाटक की रचना की गई और इस नाटक का नाम था देव असुर संग्राम।
ये इस विश्व का, इस धरा का, इस वर्ल्ड का पहला नाटक था। जब देव असुर संग्राम नाटक पूरा हो गया उसके बाद भरत मुनि लॉर्ड ब्रह्मा के पास वापस गए और उन्होंने कहा कि मैंने नाटक की रचना कर ली है और पूरा नाटक तैयार हो चुका है, आप बताएं कि इसका मंचन कब और किस दिन किया जाए। तो इस पे लॉर्ड ब्रह्मा ने कहा कि अभी जो देव इंद्र ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की है, इसके लिए जो एक फ्लैग होस्टिंग का जो हमने कार्यक्रम रखा है, उस पर आप अपने इस नाटक का मंचन कीजिएगा। अब जब इस नाटक का इंट्रो दिया जा रहा था, जिसमें कई लोगों को इनवाइट किया गया था, जब इंट्रो हुआ, इंट्रो के अंदर देव स्तुति वगैरह हुई और इसमें पूरा पूजा अर्चना हुई, सारी चीज़ें हुई, तो सब लोग इससे, जितने भी देव, जितने भी लोग आए थे, वो इसे देख के बहुत, जितने देव थे वो बहुत खुश हुए। जो प्रोडक्शन टीम के पार्टिसिपेंट्स थे उन सबको अलग अलग गिफ्ट दिए रिवॉर्ड के तौर पर। ये सारी चीज़ें चल रही थी, वहाँ पर असुर भी देख रहे थे। तो असुर लोगों ने जब इस चीज़ को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि जो देवताओं ने हमारे ऊपर विजय प्राप्त करी है उस पर इन्होंने एक नाटक की रचना करी है। तो इस पर वो लोग पूरा वहाँ हाहाकार मचाने लगे, बहुत गुस्सा हो गए और उनका जो उन असुरों को, दैत्यों को जो लीड कर रहा था, उस दैत्य का नाम था वीरूपाक्ष। वीरूपाक्ष नाम का ये दैत्य था, ये स्टेज पे चढ़ गया और ये कहता कि ये नाटक मैं नहीं होने दूंगा। और इस बात पर वहाँ जो हाहाकार मचा हुआ था, तो इंद्रदेव को गुस्सा आया, उन्होंने अपनी ध्वजा को लिया और जितने दैत्य थे उन सबको शांत कराया, संहार किया पूरा। तो उस समय फिलहाल बात शांत हो गई। भरत मुनि लॉर्ड ब्रह्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई उस दिन तो इंद्रदेव ने रक्षा कर ली, बात सारी संभाल ली, लेकिन आगे जब मंचन किया जाएगा तब कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा। तो इस पर जो लॉर्ड ब्रह्मा थे, लॉर्ड ब्रह्मा ने स्वर्ग के जो आर्किटेक्चर थे विश्वकर्मा, उनको बुलाया और उनको कहा कि आप एक ऐसे नाट्य मंडप की रचना करें कि जिससे कि ये लोग अच्छी तरीके से वहाँ पे अपना नाटक कर सके और लोग वहाँ पे एंजॉय कर सके। तो विश्वकर्मा ने एक नाट्य मंडप की रचना की। इसी बीच जितने दैत्य थे, असुर थे, वो लॉर्ड ब्रह्मा के पास पहुँचते हैं और लॉर्ड ब्रह्मा से कहते हैं कि ब्रह्मदेव, आपने ही सारे संसार की रचना करी है, आपने ही देवों को बनाया है, आपने ही दैत्यों को बनाया है, तो फिर आप ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं। तो इस पे लॉर्ड ब्रह्मा ने कहा कि ये जो नाटक ये रच रहे हैं, ये किसी व्यक्तिगत, ये आपके ऊपर नहीं बनाया जा रहा है, आप इसके टारगेट नहीं हैं। मतलब जिस तरीके से आज के आप फिल्म्स देखते हैं और या कोई ऐसा सीरियल आप देखते हैं तो स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आता है, तो उस तरीके से उन्होंने कहा कि ये आपके ऊपर नहीं बनाया जा रहा है, ये तो कर्मों के आधार पर और ज्ञान के लिए लोग बताया जा रहा है, इसमें आपको सीधे टारगेट नहीं किया जा रहा है। तब असुर वहाँ पर गए, लेकिन रोष में थे कि हमारे साथ ये चीज़ गलत हुई है। इस नाटक में जितने भी मेल आर्टिस्ट थे, मेल आर्टिस्ट को प्रोटेक्शन दिया इंद्रदेव ने और जितनी फीमेल आर्टिस्ट थी उनको प्रोटेक्शन के लिए सरस्वती को अपॉइंट किया गया, और जितने बाकी के आर्टिस्ट थे उन सबका प्रोटेक्शन शिव शंकर जी ने किया। तो इस तरह की ये पूरी कहानी है, लेकिन इसमें से बहुत सारे तथ्य हैं। ये जितनी भी बातें मैंने आपसे करी है, ये मैंने अपनी कोई भी मनगढ़ंत बातें नहीं कही हैं, ये नाट्यशास्त्र, जो मूल नाट्यशास्त्र किताब में जो चीज़ें लिखी गई हैं, मैं वही सब बातें आपको बता रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर आप इस विषय को आप जितना पढ़ेंगे, इसमें जो मैंने अभी अप्सराएं बोली, आप नाट्यशास्त्र के अंदर पहले ही चैप्टर के अंदर आपको सारी अप्सराओं के नाम मिलेंगे, भरत मुनि के सारे पुत्रों के नाम मिलेंगे, इसके एक अध्याय के अंदर किस तरीके से जो मंच होता है, जो स्टेज होता है, उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है, पहले वहाँ पर ज़मीन को खोद के कोई भी नर कंकाल है, कोई हड्डी है, कोई बेकार चीज़ें, उसको पूरा साफ किया जाता है, फिर मिट्टी बिछाई जाती है, फिर एक बुरी मिट्टी बिछाई जाती है, फिर वहाँ देव अर्चना की जाती है, पूजा की जाती है किसी भी नाटक को करने से पहले। और यही
विधि आज भी हमारे मीडिया में यूज़ की जाती है। जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है या कोई सीरियल बनाया जाता है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तब वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। ये आज का नहीं, ये उसी समय से चली आ रही प्रथा का एक पार्ट है। और मैं आपसे एंड में यही कहूँगा कि आपने जो ये प्रोफेशन चूज़ किया है एक्टिंग का, इसका जो इतिहास है, जो इसकी हिस्ट्री है, वो बहुत पुरानी है और इसमें कई लोग इन्वॉल्व रहे हैं। तो आप अपने प्रोफेशन को उसी ईमानदारी के साथ करें, उस सिंसेरिटी के साथ करें और आगे बढ़े। लव यू ऑल, बाय तेजेंद्र सिंह।